चलो, अरे रोकना यार। दीपक पीछे लोगों को कंट्रोल करना, आगे ना आए। हाँ मुझे ऐसा लगता है जब हम इतनी मेहनत करते हैं और उसे लोग अप्रिशिएट करें तो किसको अच्छा नहीं लगता है। और ये मेरी डेब्यू फिल्म है ऑफकोर्स, और कंगना के साथ साथ मेरी तारीफ होना बहुत बड़ी बात है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आई होप कि जैसा अभी तक प्यार मिल रहा है हम लोगों की फिल्म को, आगे भी हफ्तों में उतना ही प्यार मिले, एंड पीपल शुड जस्ट अप्रिशिएट द गुड वर्क। दैट्स इट। अब तक क्या क्या बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आया आपको बॉलीवुड से, इंडस्ट्री से, और आज खास? आई थिंक मेरी डेब्यू है और मुझे जितने कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं दे आर सुपर्ब। एक भी कोई अच्छा, एक हंस के भी कुछ बोल देता है तो अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक जितने भी लोगों ने फिल्म देखी है और जितने लोगों ने अप्रिशिएट अब तक किया है, आई एम रियली ग्रेटफुल टू एवरीवन। और बस ऐसे ही प्यार देते रहिए और बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में हम बनाकर आपको दिखाएंगे। सेकंड हाफ के बाद आपका आपका किरदार जी हाँ पावर में आती है, ऑडियंस बोल रही है। जी हाँ, मुझे हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरा ट्रांजिशन हुआ है पूरा। मैं पहले जो फर्स्ट हाफ में मैं उसमें एक लड़की हूँ जो है झलकरी बाई, सेकंड हाफ में वॉरियर बनती हूँ, तो वो एक जो है ट्रांजिशन वो बहुत अच्छा था और वही लोगों ने शायद देखा है, इसीलिए आप मुझसे पूछ रहे हैं। ठाकरे और मणिकर्णिका का दोनों को सराहा जा रहा है, हाउ डू यू सी दिस? यू नो इट्स अ वेरी, इट रिमाइंड मी ऑफ लगान एंड ओके सो अच्छी बात है। आई थिंक बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र की शान है, और आई थिंक जो जो फिल्म अच्छी है, जो ये सारी बायोपिक्स है, ये सारे लोग एक्चुअल रह चुके हैं, सो आई थिंक मुझे लगता है दोनों फिल्मों को उतना ही प्यार मिलना चाहिए जितना मिल रहा है, और लोगों की अपनी अपनी पसंद है, कौन किसकी बायोपिक देखना चाहते हैं ये अपनी अपनी चॉइसेस हैं। क्या कंगना से बात हुई आपकी? जी हाँ, कंगना से बात हुई, एंड she is also very excited and happy about the whole thing. Where she is in Mumbai or Delhi? I have no idea about it. Thank you. You know, there are a lot of hopes and there are a lot of talent in TV industry which can do very well on the big screen. So I'm very happy and proud. अब तक जो भी रेस्पॉन्स है बहुत अच्छा है, फिल्म को बहुत पॉजिटिव वाइब दी। आई एम सो एक्साइटेड, मैंने इतना कुछ सुना है, आई एम सो एक्साइटेड फॉर निहार ऑल्सो, ही इज माई फ्रेंड, एंड अंकिता लोखंडे। अंकिता के काम को भी बहुत पसंद करा गया है, जहाँ तक सुबह यू नो वी मेट पीपल इन द पब्लिक रिव्यू एंड दे आर सेइंग कि फर्स्ट हाफ के बाद आपको अंकिता का काम देखने को मिला। ओह वाओ, so I'm very excited, all the best Ankita, I'm just coming in 5 minutes and I'm gonna watch the film. Thank you.
Okay, post Sanju, what next? Post Sanju, there are a lot of film talks going on. Right now, I'm busy with my television show, which is getting over in a few days. So after that, I think I'm going to start meeting a lot of film people, web series and TV. So I don't want to differentiate saying main TV hi karungi ya main films hi karungi. I think all work is very good. It's all good creative work. Thank you, Kata. Thank you. Good to see you. You're here for Ankita. Tell us, kitni expectation hai Manika Nika se? The vibe is really positive around the film. The review is really good. I'm really excited to go and watch her work. I'm sure she'll be amazing. She's a very old friend, Ankita Lokhande. I'm very proud and very happy for her. Yeah, absolutely. We are here to support Ankita, and we've also heard a lot of good things. And definitely we'll be waiting, and we'll be waiting to give our honest reviews after watching the show. So we are desperately waiting to watch the show. We just, you know, met her and she said ki mere jo dost hain mujhe unke liye se bada dar lagta hai, wo bahut honest denge. और डरना भी चाहिए. All of us are there for each other. और अगर कुछ कमियां लगेंगी, खामियां लगेंगी, तो हम as an actor एक दूसरे को जरूर बताएंगे. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. सर थोड़ा आगे आइए. बहुत बहुत पास. सर भाई. सर तब और. सर यहाँ पे. सर यहाँ पे. लगाओ 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 लगाओ. What expecting? Positive, बहुत positive. Obviously, especially I belong to the same region. Bollywood से जैसी कहानी है. ये कितनी अच्छी बात है. दोनों फिल्में, मैं ठाकरे की बात करूँ, मनिका निका की बात करूँ, दोनों को लोग सराह रहे हैं. फिल्म अच्छी तो हर आदमी सराहेगा उसको, अगर फिल्म ही खराब होगी तो कोई बोलेगा नहीं. बट दैट शुड दोनों ही फिल्म है, दोनों में ही दोस्त हैं. अभिजीत की फिल्म है और ये कमल जैन की फिल्म है, तो दोनों ही दोस्त हैं, तो दोनों से अपेक्षा है कि अच्छा करेंगे ये फिल्म. वेरी हैप्पी दैट बोथ द फिल्म्स आर गेटिंग गुड रिव्यूज, सो इंडस्ट्री के लिए अच्छा. So you're here for which film? Yes. मनी करने के लिए आया हूँ. बहुत पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं, बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, और एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स है फिल्म के आसपास. Do you think it's a very good start? Yeah, 100% because मैंने इसमें गाना किया हुआ अंकिता का और मुझका, और जब मुझे कंगना ने बताया था कि इस तरह की फिल्म है तो बहुत ही एक्साइटेड था मैं. और झांसी की रानी की कहानी है, बचपन से सुनते आ रहे, तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए फिल्म कैसी बनी और क्या है. अभी तक जो रिव्यू आए हैं बहुत पॉजिटिव आए हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात कहने सर ये है कि ठाकरे एक और फिल्म के साथ मिल रही थी, लेकिन दोनों फिल्म को सराहा जा रहा है. अच्छी बात है ना, अच्छे कंटेंट की अच्छी फिल्में चल रही है, और हमारे देश की बातें हो रही है, हमारे देश को प्रोत्साहन मिल रहा है सब चीज़ से. तो आई एम वेरी हैप्पी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पब्लिक उसको बहुत पसंद करे, बहुत प्यार करे और हमारी फिल्में चले. एक खास तरह का अंदाज़ है आपका, जब भी मैं यू नो फोटोग्राफी की बात करता हूँ, चाहे वो संजय लीला भंसाली की बाजीराव मस्तान, कोई भी फिल्म जहाँ आप हिस्सा हैं, तो एक नया टच देते हैं पूरा. सिम्बा. यस, चाहे सिम्बा एक नया टच देते हैं. इसमें क्या खास था जब आपने ये कोरियोग्राफी तो नीचे चौड़ी? इसमें एक गाना है, बहुत ज़बरदस्त गाना है, जहाँ पे अंकिता का गाना है, जहाँ पे वो उनके मतलब मोहल्ले में डांस करती है और उसके हस्बैंड साथ में, और झांसी की रानी थोड़ा सा पार्ट निभाती है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट है, और मुझे लगता है वो बहुत डंकीला गाना है, लोगों को बहुत पसंद आएगा. कुछ अलग किया है, मुझे बहुत पसंद आता है इस टाइप की गाना करना. ओके, थैंक यू.